यहाँ पर फिनलैंड का सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली दफ़ा इनका जो एग्ज़ाम होता है जब बच्चा 14 साल का हो जाता है उसका पहला एग्ज़ाम होता है, और हमारे सिस्टम में आप देखें कि बच्चे को 3-4 साल की उम्र से किताबों में लाद दिया जाता है। बच्चा स्कूल से आता है, होमवर्क करता है, उसके बाद कारी साहब आ जाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ने चला जाता है, फिर वो रात को आता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती, उसकी एक्सरसाइज नहीं होती। आपको जान के ये हैरानगी होगी कि वहाँ पर होमवर्क का कल्चर ही नहीं है, होमवर्क का कल्चर नहीं है, होमवर्क नहीं दिया जाता। पहले 2015 से पहले कुछ दिया जाता था, लेकिन अब 2016 के बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 4 घंटे की क्लास, एक बच्चा जो 14 साल का हो गया और वो पहली दफ़ा कोई नेशनल टेस्ट दे रहा है, और 15 साल की उम्र में उसने इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट देना है, और उसमें जाके वो टॉप करेगा, जहाँ दुनिया के बेस्ट डेवलप मुल्क के डेवलप बच्चे, और जो करीम है, दुनिया की करीम है, यानी पाकिस्तान से अगर हम कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे, ये 22 मिलियन के जो स्टूडेंट हैं तकरीबन, इन 22 मिलियन में से 2 करोड़ 20 लाख में से अगर हमें कुछ स्टूडेंट को भेज